माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ विटामिन डी की बातें करूंगा। विटामिन डी हमारे लिए, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और बचपन से लेके बुढ़ापे तक पूरे जीवन भर हमें इसकी बहुत आवश्यकता होती है कि ये हमारे शरीर में पूरी रूप पूर्णतः हमको स्वस्थ हड्डियों के लिए मदद करता रहे। इसके लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि हमको अगर कमी हो जाती है विटामिन डी की बॉडी में, शरीर में, तो हमारे कैल्शियम जो होता है वो जज्ब नहीं होता। कैल्शियम हम लेते हैं दूध से, पनीर से और अन्य सप्लीमेंट से हम कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो बॉडी को लगे, वो बॉडी में जज्ब हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि विटामिन डी भी हमारे साथ रहे। विटामिन डी की मदद से ही कैल्शियम हमारे शरीर में जज्ब होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि कई बार जैसे हमें कैल्शियम लेना होता है तो 500 mg का डेली का डोज जनरली बताते हैं और 10 दिन तक लेना चाहिए। 10 दिन के बाद फिर ब्रेक देना चाहिए रेगुलरली। लगातार बहुत दिनों तक कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम जज्ब नहीं होगा। अब कैल्शियम को जज्ब करने के लिए विटामिन डी का हम सप्लीमेंट लेते हैं, इसके शैशे आते हैं और वो शैशे लेते रहते हैं, वीकली लेते हैं या डॉक्टर जैसे भी प्रिस्क्राइब करता है उस हिसाब से हम ले लेते हैं और लेना चाहिए। लेकिन विटामिन डी को प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल और अचूक उपाय है, वो है सनलाइट से दोस्ती, सूर्य की किरणों से दोस्ती करना। आजकल के ज़माने में क्या होता है कि माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं धूप में मत जाओ, इधर धूप पड़ेगी, इधर धूल में मत खेलो, ये सब मत करो। ऐसा नहीं करना, हमको रोज़ धूप में थोड़ी देर रहना चाहिए। और सुबह की किरणें कोमल होती हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, अगर उस समय हम धूप स्नान कर सकें या धूप में बैठ सकें। धूप स्नान का मतलब स्नान ही नहीं करना है, लेकिन उसमें बैठ सकें थोड़ी देर, 10 मिनट के लिए भी बैठें रोज़, या नहीं बैठ पाएँ, रोज़ न बैठ पाएँ तो भी, कभी बैठें कभी न बैठें, तो भी हमें विटामिन डी की कमी पूरी होती रहेगी और हमें किसी सप्लीमेंट को खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके न रहने से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये सब हमको बहुत देखने के फ्री की चीज़ है, बहुत आसानी से मिल जाती है और इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत बनी रहेंगी। हड्डियाँ मजबूत बनी रहेंगी तो हमें बहुत सी बीमारियाँ नहीं होगी। कैल्शियम मिलता रहेगा तो हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, बोन की हड्डियों की कोई बीमारी नहीं होगी, पैर सीधे चलने में हमें आसानी रहेगी। बुढ़ापे में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है और बच्चों को बढ़ने में ज़रूरत रहती है। तो ये समझ लीजिए कि पैदा होने के तुरंत बाद से ही हमें बच्चों को आपने देखा होगा कि धूप में लिटाते हैं, मालिश करते हैं। तो ये सब हमें जीवन भर के लिए करना होता है। जवानी में आप ये सब ज़्यादा कर नहीं पाते हैं तो आपको भाग दौड़ लगी रहती है, लेकिन करना चाहिए और बुढ़ापे में तो ज़रूर करना चाहिए, इसका मतलब पूरे जीवन करना चाहिए। तो आज आपकी समझ में आ गया होगा कि विटामिन डी की कमी हम केवल धूप में बैठने से ही पूरी कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसके रहने से हम स्वस्थ रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमको सुनते रहिए और जीवन में हेल्थ के फ़ायदे उठाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।